हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? बिना देरी के जल्दी से आगे बढ़ते, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको हैप्पी टीचर डे सभी को, क्योंकि आज टीचर डे है। तो भाई, एक चीज कहना चाहता हूँ कि टीचर का हमारी जिंदगी में भाई बहुत बड़ा हाथ होता है, हमें आगे बढ़ाने में, हमें कुछ बनाने में। और सबसे बड़ा टीचर तो हमारे सबसे बड़े गुरु, सबसे पहले गुरु तो हमारे माँ बाप होते हैं। उसके बाद स्कूल के टीचर्स होते हैं, जो कि हमें पढ़ाते लिखाते हैं और काफी सारी चीजें सिखाते हैं। तो हाँ, उन टीचरों की इज्जत करो। और मुझे ये बताना अपने टीचरों से आप लोग क्या क्या सीखे हो। भाई, मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं बताने बैठूंगा तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाए, बट बहुत कुछ सीखा हूँ। तुम थोड़ा बहुत जो है वो बता देना, ठीक है? बाकी आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी मैं जा रहा था एक मेले में, पता नहीं, मम्मी बता रही थी बुड्ढे बाबा का कोई मेला लगता है, तो हमारे उस साइड ही लगता है, नानी घर की साइड। नहीं नहीं खाटू श्याम जी मंदिर नहीं जा रहा, अगर टाइम लगा तो वहां चला जाऊंगा, बट इतना टाइम मिलेगा नहीं, मुझे पता है, फिर कभी चल लेंगे। तो चलो आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और गाइस, एक चीज और भाई, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी स्कूल के बच्चों वाली, भाई साहब उस पर इतनी फास्ट व्यूज गए हैं, 200 व्यूज आज आज में पार हो गए। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसी प्यार बनाए रखना और ऐसी देखते रहना। अगर जिस जिसने सब्सक्राइब किया ना, वो अनसब्सक्राइब बिल्कुल मत कर देना, पहले बता रहा हूँ भाई। मैं तुमसे दोस्ती इकट्ठी कर लूंगा, ठीक है? सब्सक्राइब किया ना, अब आगे तक बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अनसब्सक्राइब मत करना। पंखा नहीं घूम रहा है, मैं ही घूम रहा हूँ। सोचा थोड़ी मस्ती कर लूँ, क्या करूँ यार, टाइम पास कैसे करूँ। बाकी गाइज, मैंने आज भाई फुल जुगाड़ उगाड़ कर रखा है। पिछली बार जब मेले में ब्लॉग बनाया था, और पिछली बार क्या, कहीं भी बनाता हूँ ना तो भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, मेरी आवाज़ साफ ही नहीं आती। अब देखो, इतनी दूर से बोल रहा हूँ फिर भी क्लियर आएगी, बिकॉज यहाँ लगा हुआ है माइक और मैंने टी शर्ट के अंदर से डाल रखा है, यहाँ पे यूँ जा रखा है, टी शर्ट के अंदर से बाजू में से तार उसमें कनेक्ट है फ़ोन में, ठीक है? तो अब सही, मैं जितना भी आराम से बोलूँगा आवाज़ अच्छे से आ जाएगी आप लोगों को, क्लियर एकदम। तेज के बोलूंगा तो तेज की आ जाएगी आवाज, बस क्लियर आएगी, आपको समझ आएगी। कई बार ऐसा होता है नहीं आती ना, तो वो चीज़ है बस। भाई आज लेके चलेंगे अपना ये भोपू, थोड़े से मजे लेंगे मेले में। लोग बहुत पा 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 करते हैं ना हर बार, वो मजे लेते हैं सब, आज मैं मजे लूंगा, और वो भी इतने तगड़े वाले भोपू से। बच के रहना बेटा, सारे के सारे जब मैं बजाऊंगा। अब मैं इसको बैग के अंदर रखते हुए दिखाऊंगा कि मैं कैसे रख रहा हूँ बैग के अंदर। ये रख जा, रख दिया। चलो अब मैं चैन बंद करते हुए नहीं दिखाऊंगा, बंद। अब मैं स्टैंड को भी रखते हुए दिखाऊंगा, इधर ये बन गया सिनेमैटिक। अब मैं लाइट को भी बंद करते हुए दिखाऊंगा। बंद कर दी। इसको देख लो भाई, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। कुकुरे कुकुरे कुकुरे, ये देखो भाई गली के बाहर बैठ के क्या कर रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो भाई गली के बाहर बैठ के क्या कर रहा है। पता क्या दीवार में से वो छुड़ा रहा है मिट्टी। ओए आजा अंदर, आजा अंदर, आ अंदर, आ तेरी तो हटियो। क्या कर रहा है तू यहाँ पे, क्या कर रहा है? दीवार तोड़ रहा है, फिर वो तेरे को तोड़ देंगे, फिर वो तेरे को तोड़ देंगे। मत तोड़, रहने दे, मत हटा, देख तेरी वीडियो बन रही है। गंदा बच्चा, गंदा आई, गंदा बच्चा, नहीं क्यों दूँ, क्यों दूँ, ले थप्पड़ मार दूंगा तेरे, पिटाई कर दूंगा, फोन फेंकेगा तो। भाग्या से, भाग्या से, भाग्या से। क्या उतार रहा है, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है बे? ओए ओए ओए, तू नहीं कर रहा फिर कौन कर रहा है? ये देखो कहाँ बैठ गया, चढ़ के लड्डू मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है? 1 2 3 4 5 6 कपड़े उतार पहले, 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे वो सुने यो लहर लहर लहराता है, उसने यो लहर लहर लहराता है। 20 अच्छा, कैलेंडर से देख के वो कर रहा है, 11 12 है ना, वो तो सुना दे, लहर लहर लहराता है, सुना तो दे एक बार, सुनियो सुना ना, प्लीज सुना दे भाई। जो हमारी गली में एक बार ना, हमारी गली में आ जल्दी 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 जल्दी, हमारी गली में भाई एक आंटी आई थी पागल सी भाई, पता नहीं क्या पी रखी थी या क्या थी, है ना? और पता है कैसे कर रही थी, कुछ की वाइट वाइट थी, वाइट वाइट थी ना, हाँ। फिर कैसे, कहाँ जा रही थी, टॉर्च जल रही थी, वो अच्छा टॉर्च जल रही थी, नहीं वाइट भी तो थी, है ना, फिर कहाँ जा रही थी वो, हमें हमारे घर में आ रही थी। हाँ फिर मैंने मैंने भगा दिया था ना,
लगाइयो वैसे एक बार न्यूज़ होगा जब मैं इतना पैसा खरीदूँ ना इतना बड़ा हथौड़ा रहूंगा ना हथौड़ा हथौड़ा कोई तो गन लेता ही हथौड़ा लाएगा मैं उठा नहीं पाऊंगा उठा नहीं पाएगा कौन उठाएगा फिर मैं एप्पल मैंगो ऑरेंज बनाना अमरूद ये खाता हूँ ना फिर मैं उठा पाता उसके साथ में टार्ट अमरूद खा पा रहा था उठा पा अरे भाई इतनी तेज और फिर तो तेरे को खा जाएगी फिर है? फिर तेरे को खा जाएगी वो कौन सी है वो तो कौन सी है वो तो छोटी है कौन है छोटी उसके पापा भी है पापा भी है और क्या बोल रहा है इधर मेरे क्यों मार रहे हैं क्या है खटोला सा जल्दी देख जल्दी जल्दी यहाँ पे आ कैसे करता है भेड़िया कैसे करता है और फिर कैसे करता है बता दे पागल था गाइस ये चेक करो भाई जिस पल का था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है रामलीला हमारे पीछे की दीवारें लग रही है भाई मज़ा आएगा और अब निकल चुका हूँ भाई नानी के घर के लिए मतलब नानी घर के लिए नहीं सॉरी उस मेले के लिए जिसमें ले जाऊँगा ठीक है चलो अब मैं चलते हुए पैर भी दिखाऊँगा भाई रोड देख लो उबड़ खाबड़ हुई पड़ी है नाम को NSP भाई मैं आपको सीढ़ी भी चढ़ता हुआ दिखाऊँगा नीचे उतरता हुआ भी दिखाऊँगा क्योंकि मैं हूँ कल्लू कालिया चलो हेलो कर व्लॉग बना रहा हूँ लोग चलो भाई बस भी आ गई है पहुँच गया आजादपुर अब मैं आपको ये वाली सीढ़ी दिखाऊंगा जो कि चल ही नहीं रही चलने वाली है बट चल ही नहीं रही तो अब हमें खुद चलना पड़ रहा है ये नहीं चल रही मैंने स्टैंड से पीछे छोड़ दिया क्योंकि मेले के चक्कर में भीड़ इतनी ज़्यादा है ये देखो ट्रैफिक लगा हुआ है बहुत तगड़ा वाला इस चक्कर में देखते हैं चल के कैसा है कैसा नहीं तो यार भाई अपना दोस्त मिल चुका है दस्तिन ठीक है भाई अब यो लेके जाओगे हमें मेले में दिखाने ठीक है और झुलाने झुलाने मेला झुलाएगा भाई देखते हैं क्या क्या मेले वेले लग रहे हैं झूले पूले लग रहे हैं बाकी चलो डंडन डंडन आज मैं पूरा सेटअप करके आया हूँ ताकि इस क्लैरिटी अच्छी आए इसलिए मैं माइक लगा के आया हूँ देख ले बेटा देख ले पूरा सेट अंदर से पूरा घुसेड़ के फुल मस्त कोई लोचा नहीं है मेला हमारा शुरू होता है यहाँ से हम देख रहे हैं आज की खबर यहाँ पे है नाला वो एक मिनट नाले में से भी तो पानी निकालने के लिए बोला था हाँ मम्मी ने बोला था नाले में से पानी निकालने ये नाला थोड़ी ना भाई इसमें ही बोला था इसमें ही बोला था यार पागल समझ नहीं रहा अबे अंदर वो बन रहा है अबे यहाँ कहाँ है मेला भाई ये है अंदर है कहीं अंदर है मेरे को लगा लोगों का मेला लग रहा है लोगों का तो मेला हम देखते रहते हैं आज तो वो दिखेंगे बच्चे मैंने देखा बच्चे बजा रहे थे सही है भाई वेरी नाइस ये देखो भाई आ गए बच्चे बजाते बजाते शुरू हो गया भाई साहब अब तू भी स्टार्ट कर दे बेटे आलू ले भटूरे ले छोले ले कुलचे ले ओए क्या हो रहा है चुप हो गए पकड़ ऐसी मजे लेंगे आज भाई यहाँ से मेला स्टार्ट हो गया देखते कहाँ कहानी देखते हैं भाई कहाँ कहानी हमारे जो जन्माष्टमी का मेला है ना गाइस ये दे रहा है अपनी आने होने वाली वाइफ के लिए प्लेटें ताकि वो मेहमानों को इतनी इतनी बड़ी थालियां दे सके भाई देखो तेरे मुंह से ही पड़ी है तेरे मुंह से ही पड़ी अपनी बहू के लिए ले रहा है ये लेंगे लेने आता बेटे ये मैं डाल दो के लिए पहले बता रहा हूँ ओए भाई उधर चलो उधर से ये बता रहा है कि मिट्टी निकालनी है इस पानी में से मम्मी भी बता रही थी कि मिट्टी सॉरी घीन मत मानियो जैसे और जगह गंगा जल या फिर कहीं भी जाते हैं ना तो वहाँ से जैसे वहाँ पे स्नान करते हैं तो वही कर लेना अगर करना है तो बट कपड़े तो लाए नहीं कर पाएंगे चलो कोई बात नहीं देखते हैं भाई ऐसे ही हाथ जोड़ लेंगे ठीक है भाई मेरे भी बना बोलो क्या बोलो ये कर दो चिम टमाक डम डम चिम
डम ओ बेटे एक बात बता यार, मेला किस चीज का लग रहा है भाई? मुझे इतना बता तो सही ऑनेस्टली भाई, किस चीज का लग रहा है मेला? बुड्ढे बाबा का भाई। बुड्ढे बाबा तो दिखने छोले भटूरे दिख रहे हैं भाई। हाँ वो तो बात है, लेकिन इतने बुड्ढे बाबा नहीं दिखेंगे जितने छोले भटूरे दिख रहे हैं। वो भी नहीं दिखेंगे छोले भटूरे। लड़के देखने आया भाई भाई लड़की देखने आया खाली छोरी बटाने हैं। हमारा ये भोपू किसी के काम आ गया भाई। बोलो अंकल, बोलो चालू है छोले, चालू है, बोलो बर्गर 20 रुपए, बर्गर 20 रुपए, बोलो ऐसे बोलो बर्गर 20 रुपए, जलेबी 30 रुपए पाओ। अरे वाह, जल्दी से ले जाओ गर्मा गर्म अंकल की शॉप से है। अरे बोलो बोलो अंकल, दिक्कत नहीं कोई, बोलो। अरे वीडियो बनानी है वैसे ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अच्छे अंकल दिल के। तो भाई यही ले जा रहा है मेरे को तो पता नहीं है, यही ले जा रहा है घुमाते। लो बस यहीं तक था। छोले भटूरे दिख रहे हैं। मुझे भी नहीं पता। अच्छा जी, ओ अच्छा, वो रे झूले यहाँ से इसमें नहीं दिखेंगे। जब मैं छोटा सा था है, शायद मम्मी भी खुई थी, मम्मी ने पकड़ा था। भीड़ देखियो भाई, इतना तो यहाँ पे भोपू ही बज रहे हैं और खचर पचर समझ रहे हो। तो यहाँ पे भोपू की आवाज़ आ रही है, बच्चे से लेके बड़े तक, जो जिसे देखो वही भोपू। देखा आ रही है ना आवाज़, आ रही है ना, तू भी बजा दे। दिख गई हो कृपया करके थोड़ी ध्यान दे, भोपू ना हो जाए, ब्लॉक खराब हो जाएगा मेरा। इतनी तेज आवाज़ नहीं आएगी बेटा, भटक गया भाई मैं तो, भटक गया यहाँ पे भाई। जीरा मंदिर यही है ना बुद्ध बाबा, मेरे को तो पता नहीं बट यही है। अच्छा सजा रखा यही है। ये देखो भाई यहाँ पे लग रहा है मेला, सॉरी मेला नहीं, बुड्ढे बाबा का मंदिर है। तो अभी जाएंगे हम मंदिर में मत्था टेकने के लिए, ठीक है भाई? देख ले, कहीं छुपा के रख दे, कभी पता चले कोई लेके ठस्सा हो जाए। उसके पीछे रख दे सुन, उसके पीछे रख दे ओ मेरे भी रख दे। जानूंगा इसके बारे में, बूढ़े बाबा के बारे में यूट्यूब पे देखूंगा मैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। भाई पहली बार आए घर पे, कौन से बूढ़े बाबा है मुझे तो मिले। वीडियो बना सकता हूँ। वो कबूतर निकला इसके अंदर से, मजा भाई। तो अभी हम बूढ़े बाबा से ऊपर के भगवानों से मिलने के लिए आए हैं। इधर से एंट्री है एंड इधर से घूम के आगे मत्था टेक लिया भाई, ठीक है? अच्छा लगा, हमारे दर्शन हो गए भाई। मम्मी ने बोला था प्रसाद चढ़ा दियो, इस कमीने ने मेरे को ये नहीं बताया कि प्रसाद भी मिलता है, प्रसाद चढ़ाना है। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे को पता होता ना दोबारा तो क्या जाए। देख लो भीड़ लग रही है बहुत ज्यादा, बट दिल से हमने पैर छू लिए, चरण स्पर्श कर लिए, माथा टेक लिया। दोबारा आएंगे नेक्स्ट टाइम, अगले साल तब चढ़ा देंगे, ठीक है भाई? बाकी अभी हो गए दर्शन, चलो हेलो कर दो भाई। जानता है बैठे जान पहचान जतिन की, कह रहा है मेरे को कि भाई नाव वाला झूला झूलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नाव वाला झूला झूल तो लेगा, लेकिन तो उसके बाद जो उल्टिया करेगा ना भाई, मैं नहीं करूँगा। वैसे खा लिया बंदे ने, मैं पहले भी झूल चुका हूँ, मैं नहीं करूँगा ना। चल मैं नहीं झूला आज तक, मैं देखता हूँ झूल गया ना। सही है यार, एक बार ट्राई करते हैं, कहाँ पे लग रहा है देखते हैं, लग रहा है नहीं लग रहा है मेरे को नहीं पता अभी। फिर वैसे ही बोल रहा है, अरे उधर लग रहा है ना तो उधर देख पड़ेगा। चलो चलो चलते हैं। सब स्नान करने में लगे पड़े हैं और हम लोग ऐसे खड़े पड़े हैं। अब यहाँ पे हमें बोतल भी भरवानी है, मम्मी ने बोला है जल भरवा के ले आइयो, ठीक है? बोतल निकाल भाई खाली वाली बैग में से। हाँ छोटी वाली माता की बोतल भरेंगे। हेलो गाइस, लगे पड़े यहाँ पे झूले, देख ले, कभी नहीं झूल पाया यार। ये क्या रहा नाव वाला झूले का बेचारा यार, यहाँ पे तो बस ये बच्चों वाले झूले लगे पड़े हैं, बच्चों वाला झूले। पर ये बच्चों वाला झुलाएगा नहीं है, इसको 100 200 300 कितने भी दे दो बच्चों वाला झुलाएगा ही नहीं है। कोई भाई किस्मत ही खराब है,
किस्मत ही खराब। बचपन में किस किस ने देखा है, ले लू ले लड्डू के लिए ले लेता हूँ भाई, नया सा दे दो। क्या हाल है भाई, यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, देखो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बड़ा आदमी, ये देखो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। फेमस होंगे तो उसको कैसे पता चलेगा, हम तो यहाँ से अपना घर चले जाएंगे। कहीं ना कहीं तो देख लेंगे आपको, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, बस पहचान लेते हैं ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले वो है सारा खेल। हेलो हेलो आंटी, हेलो देखना, हेलो कुछ भी मैम, ये देखना क्या लेकर आए हैं आज ये। हेलो 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 गाइस, देखना ये ले लो ना, ले लो। हेलो 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 कुछ भी मैम। चलते घर पे यार, बहुत टाइम हो गया, भीड़ तो बहुत बढ़ती जा रही है, बंद होने वाला है ना, इसलिए भीड़ बढ़ रही है। देख लो मेरा सामने मंदिर भाई, बढ़िया था, एक नंबर भाई। रेलगाड़ी आ रही, रेलगाड़ी, हाँ चैनल दिखाओ। अरे वाह, ये तो ढूंढते आ गए भाई यहाँ पे। अबे चुप हो जाओ, चुप ही नहीं हो गया दे रहा है यार कोई सा, ब्लॉग खराब कर रहे हैं भाई। इन जैसे मनुष्य अगर घूमेंगे ना मेले में, कसम से सब्सक्राइब कर दिया लोंडे। हेलो, पहले से कर रखा था। हेलो, अरे पहले से कर रखा था, पहले से कर रखा था। अच्छा उधर हो गया, हम लोग जा रहे घर पे, बस बैंड बाजे से बज रहे हैं यहाँ पे, गांधी बैंड, दुर्गा बैंड, जनता बैंड, भोंपो भोंपो भाई, दिमाग खराब हो गया। चलो चलते हैं। हमने जतिन को छोड़ दिया है, अब जतिन हो रहा है अपने घर की तरफ और हम हो रहे अपने घर की तरफ, ठीक है चलो बाय बाय। तो भाई देखो, ये मैं लड्डू के लिए आया था, ठीक है भाई, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है एकदम। ये बचपन में हमने भाई बहुत यूज किया, बहुत खेले इससे, बहुत एकदम रियल लग रहा है भाई। तो चलो गाइस, मैं आ गया हूँ घर पे और भाई बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, इतना भी नहीं थके, हाँ थक गया, अब रेस्ट करेंगे, सोएंगे, बाल कटवाऊंगा भाई मैं, बाल ये मुंह में आ जाते हैं नहीं, कुछ भी करता हूँ मुंह में आ जाते हैं, तभी तो बांधता हूँ मैं और क्या नाम है, तभी हेयरबैंड लगाता हूँ। और गाइस मैं मेले से एक तो वो चीज़ लाया था, वो खिलौना था, वही पूछ वाला, ठीक है, और एक मैं चश्मा लाया हूँ गाइस। देखो मैं काफ़ी टाइम बाद मैं चश्मा लिया है, पहले मेरे पास 4-5 चश्मे थे, मतलब सस्ते वाले थे, अब ये थोड़ा सा अच्छा वाला लिया है मैंने, ठीक है। और खुल जा, ये स्टाइल है मेरा, अब मैं इसे पहन के इतराया करूंगा। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।